मोहल्ले के किसी घर में नहीं है वो। ये तो बात परेशान कर रही है, दिल घबरा रहा है मेरा। बोलिए दुआ करो कि अम्मी की बस तबीयत ठीक हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो और वो हॉस्पिटल चली गई हो चेकअप करवाने। अम्मी अम्मी कब हॉस्पिटल हमारे बगैर जाती हैं, और वो भी फोन घर पे छोड़ के। मुझे लगता अम्मी आ गई है। मम्मी कहाँ थी आप? क्या हुआ आपको? अम्मी कुछ तो बोले। अम्मी हम लोग इतना परेशान हो गए थे, क्या हुआ आपको? अम्मी आप परेशान लग रही है, क्या हुआ? वो कुछ बोलिए तो। अम्मी बताए ना क्या हुआ है आप ही। मुझे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी प्लीज कुछ बोलिए ना आप ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अम्मी के लिए पानी लेकर आती हूँ। अम्मी प्लीज बोलें क्या हुआ है आपको। मैं जानती थी अम्मी कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के आप यकीनन आप मुझे माफ कर देंगे। इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला तो मैं सबसे पहले आपको बताने आई। फायसा, अगर तुम ये सोच कर आई हो ना यहाँ पे कि तुम अपने आने वाले बच्चे का बता के मुझे मना लोगी तो ये तुम्हारी भूल है। जब तुम ही मेरे लिए मर गई तो तुम्हारे आने वाली नस्लों से मेरा क्या वास्ता? प्लीज अम्मी, फायसा को माफ भी कर दें अब आप। फायसा माँ बनने वाली है, उसका बच्चा आने वाला हमारे घर की पहली खुशी होगा। प्लीज माफ कर दें उसे। नहीं मरिया, किसी नए आने वाले के लिए किसी पुराने का दिया हुआ धोखा नहीं भूल सकती। जिस बच्चे के लिए आपको तरसाना चाहती थी, आज मैं खुद उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही हूँ। इस अब आपका दिल दुखाने का डर दीजिए। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।